नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका टुडेज के हमारे इस न्यूज़ कार्यक्रम में। और आज जो हम राजनीतिक खबर लेकर के आए हैं वो आपके लिए भी बड़ा ही दिलचस्प होगा। दरअसल कल तक के कांग्रेस के सपोर्टर असदुद्दीन ओवैसी आज हो गए हैं उनके मुखर विरोधी। जी हाँ, ओवैसी ने कांग्रेस पर बोला है तीखा हमला। जिन्हें उधारी राहुल कभी नहीं समझेंगे मुस्लिमों का दर्द, ऐसा कहा ओवैसी ने। देश में चुनावी माहौल बना हुआ है जिसके लिए सियासी बयानबाजियां भी जमकर हो रही हैं। फिलहाल तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए वोट 7 दिसंबर को डाले जाएंगे, जिसके लिए राजनीति चरम पर पहुंच चुकी है। इसी बीच ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और लोकसभा के सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने एक विवादित बयान दिया है। दरअसल ओवैसी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए ही खूब जहर उगला। उन्होंने कहा कि मदरसों और मुस्लिमों के धार्मिक स्थलों को बंद करने का प्रयास हो रहा है और सरकार मुस्लिम समुदाय को देखना नहीं चाहती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम को हराने के लिए पीएम मोदी बार बार हैदराबाद आ रहे हैं, जबकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 5 बार आ चुके हैं। ये सरकार हमारी मुस्लिम समुदाय के लोगों की आवाज़ उसी तरीके से ख़त्म कर देना चाहती है जैसे उन्होंने यूपी और बंगाल में किया है। तेलंगाना में हुए कांग्रेस टीडीपी सीपीआई तेलंगाना जन समिति के बीच गठबंधन पर हमला करते हुए इसे टीडीपी और कांग्रेस को पॉकेट मारो की जमानत कहा है, और कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी एक टूरिस्ट की तरह राज्य का दौरा कर रहे हैं और जनेऊधारी राहुल हमारा दर्द नहीं समझ पाएंगे। आपको बता दें कि 119 सदस्य तेलंगाना विधानसभा को लेकर के 7 दिसंबर को मतदान होने हैं। इस चुनाव में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर की पार्टी टीआरएस और बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है, जबकि केसीआर के खिलाफ प्रजाकुटमी नाम से 4 दलों का गठबंधन मैदान में है। चुनाव के नतीजे 11 दिसंबर को अन्य राज्यों के साथ आएंगे। ये खबर इसलिए इतनी इम्पोर्टेंट दिखाई दे रही है क्योंकि ओवैसी जो कि बिल्कुल भाजपा के मुखर रहे हैं आज, और लेकिन कहीं ना कहीं उनका कांग्रेस के साथ एक लगाव दिखता था। आज ओवैसी राहुल पर न सिर्फ तंज कस रहे हैं बल्कि करारा हमला कर रहे हैं। शायद उन्हें राहुल के जनेऊधारी होने का जो बात है, जो उनका प्रमाण है, वो उन्हें खल रहा है, या शायद उन्हें वो पसंद नहीं है। लेकिन सवाल है ऐसा क्यों? सोचने वाली बात है। आप भी सोचें और हमें शेयर करें अपने विचार। थैंक यू सो मच। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहें हमारे चैनल के साथ, देखते रहें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टूडेज फॉर मोर न्यूज़।